इस वीडियो में आज हम आदमी में बोन्स की बात करेंगे। हमारे अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये सब हमने सुना है कि हमारे अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, बच्चे में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। जो बड़े जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसमें तो 206 हड्डियाँ रह जाती हैं, बच्चे में बहुत सारी हड्डियाँ जुड़ के और वो इकट्ठी हो जाती हैं। बच्चे में वो हड्डियाँ अलग अलग थी, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उन हड्डियों के बीच में जो जोड़े परमानेंट हो जाते हैं, वो दो से ज़्यादा हड्डी जुड़ के एक हड्डी बना देती हैं। इसलिए बड़े आदमी में हड्डियाँ कम होती हैं, बच्चे में ज़्यादा होते हैं, जिस कारण से बच्चा इजीली मुड़ टूट भी जाता है। बच्चे की हड्डी मुश्किल टूटती है, जबकि बड़े की जल्दी टूट जाती है, क्योंकि उसमें हड्डियाँ कम होती हैं, उनमें जोड़ ज़्यादा होते हैं। इसमें से 80 हड्डियाँ तो हमारे एक्जल स्केल्टन में है और 126 हमारे अपेंडिकुलर स्केल्टन में है। एक्जल स्केल्टन में कौन कौन सी हड्डियाँ आती हैं, पहले हम बात करेंगे जो सेंटर में है, क्रेनियल। क्रेनियल हमारा ब्रेन बॉक्स होता है, हमारी जो खोपड़ी होती है, इसमें 8 हड्डियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, पैराइटल 2 होती हैं, टेम्पोरल भी 2 होती हैं, फ्रंटल 1 होती है, ऑक्सीपिटल 1 होती है, इथ्मोइड 1 होती है, स्पिनोइड 14 होती हैं, 1 होती है। तो इस तरह से 8 हुई, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, फ्रंटल 1, ऑक्सीपिटल 1 और इथ्मोइड 1 और स्पिनोइड 1। ये सारी की सारी हमारे ब्रेन के ये जो सिर के पार्ट है, स्कल है, इसके पार्ट के हिसाब से हैं। फिर फेशियल हमारे चेहरे के सामने ये 14 हड्डियाँ होती हैं, 2 मैगजिला, 2 जाइगोमेटिक, 1 मैंडेबल, 2 नेजल, 2 पैलेंटाइन, 2 इन्फीरियर नेजल कोंका और 2 लैक्रिमल और 1 वोमर। और 6 हमारे कान में होते हैं, दोनों कानों में 3-3 हड्डियाँ होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। ये 6 हड्डियाँ दोनों कानों में 3-3 होती हैं, तो दोनों में मिला के 2 मैलियस हो जाएंगी, 2 इंकस हो जाएंगी, 2 स्टेप्स हो जाएंगे। इनमें से एक एक हर कान में एक एक है। और वर्टिब्रल कॉलम हमारे 26 होते हैं, जिनमें 7 हमारे गर्दन में और 12 छाती में, जिनको थोरेसिक कहते हैं, 5 हमारे पेट के भाग में, जिनको लुम्बर कहते हैं, इसके नीचे सैक्रल भाग में एक होता है, टेल वाला कोकिक्स भाग में एक होता है। इस तरह से हमारे 26 वर्टिब्रे होते हैं। थोरेसिक केज हमारी छाती के अंदर जो ये केज होता है, इसमें 25 होते हैं। एक तो इसमें स्टर्नम होती है, इसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं, और 24 रिब्स होते हैं, और एक हमारी जीभ की हड्डी होती है जिसे हाइड बोन कहते हैं। इस तरह से ये हमारी हड्डियाँ हुई, तो टोटल ये 80 हड्डियाँ हमारे सेंट्रल स्केल्टन में हुई, जिसको हम अपना एक्जियल स्केल्टन भी कहते हैं। अब अपेंडिकुलर स्केल्टन की बात करें तो इसमें 126 हड्डी होती हैं, 4 पेक्टोरल ग्रिल की होती हैं और 2 पेल्विक ग्रिल की होती हैं, और इसके अलावा 30 हड्डी हमारे हाथ की और 30 हड्डी हमारे पैर की। 4 हमारे हाथ पैर मिला के होते हैं, 2 दोनों हाथों में 60, दोनों पैरों में 60। वो कैसे कैसे हैं, पेक्टोरल ग्रिल में क्लेविकल 2 और स्कैपुला 2, और जो ये हाथ हैं उनमें 30-30 हैं, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, ये रेडियस अल्ना होती है जो नीचे वाली हड्डी है, ये रेडियो अल्ना कहलाती है, इकट्ठी में एक रेडियस है, एक अल्ना है। कार्पल 16 होते हैं, मेटाकार्पल 10 होते हैं, फैलेंग्स 28 होते हैं। पैल्विक गर्डिल में 2 होती हैं, एक कोक्सल इनोमिनेट या हिप बोन, और इसमें जो पैर में भी 60 हड्डियाँ होती हैं। फीमर सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर है, और सबसे छोटी कान की हड्डी होती है। टीबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल और 10 मेटाटार्सल होती हैं, और फेलेंग्स होते हैं 28। जो मेटाटार्सल हैं ये 10 होती हैं, टार्सल 14 होती हैं। इस तरह से ये हमारे शरीर की हड्डियां हैं। अब हम इन सारी हड्डियों का जिक्र करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि हड्डियां कहां कहां और कैसे हैं। सबसे पहले हम स्कल में आए। स्कल आप देखें, हमारे स्कल में 22 हड्डियाँ हैं, जिनमें से 14 फेशियल है और 8 क्रेनियम है। अब ये हमारे शरीर पूरे शरीर की आप एक बार जनरल डायग्राम देखें, ये स्कल है, इसमें ये क्रेनियम है, ये मैंडिबल है, ये पेक्टोरल ग्रिल है जिससे हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, ये पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये छाती की हड्डी है स्टर्नम, ये हमारे रिब्स दिखाए हुए हैं, इनको मैं अलग से भी दिखाऊंगा आपको, ये स्कैपुला है, ये हुमरस है हाथ की हड्डी, ये पेल्विक ग्रिल है, और ये रेडियो अल्ना हड्डी है, ये मेटाकार्पल है, ये फेलेंक्स है और इससे ऊपर कार्पल है। अच्छा, ये फीमर पैर की हड्डी, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है, ये जो हमारे घुटनों के बीच में ये फंसा हुआ है, गोला सा फंसा हुआ है, इसको कहते हैं पैटला। फिर ये टीबिया फिबुला, 2 हड्डियाँ हैं, इनमें टीबिया बड़ी होती है, फिबुला छोटी होती है, 2 हड्डियों से मिलकर बनी है जो पैर के निचले वाली हड्डी है। और फिर ये टार्सल,
और फिर मेटाटार्सल और फैलेंक्स, ये हमारे शरीर के आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन सी हड्डी है। अब हम इनका नंबर से जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये हमारे स्कल की। स्कल में आप देखें सामने की ओर ये फ्रंटल है, जो बिल्कुल हमारे सामने फ्रंटल है एक होती है, और इसके नीचे ये स्फिनोइड है और ऊपर ये पैराइटल है। पैराइटल दोनों तरफ होती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। फिर इसके नीचे टेम्पोरल है, टेम्पोरल भी दोनों साइड में होती है, एक लेफ्ट साइड में होती है एक राइट साइड में होती है। इथमोइड सामने होती है आँख के साथ ही इथमोइड होती है, और पीछे की ओर ऑक्सीपिटल होती है, ऑक्सीपिटल भी एक होती है। ऑक्सीपिटल फ्रंटल और स्फिनोइड एक एक होती है, पैराइटल टेम्पोरल दो दो होती हैं, और इथमोइड भी एक होती है। इस तरह से ये चार हड्डियाँ तो एक एक होती हैं और दो हड्डियाँ दो दो होती हैं, तो आठ हड्डियाँ हमारे ये स्कल में होती हैं, खोपड़ी में होती हैं। इनके पीछे सूचर होती है जो परमानेंट जुड़ी रहती है। ये हमारे स्कल की बोन हुई, इसको हम क्रेनियल बोन भी कहते हैं। इसके बाद नीचे, इससे नीचे आ जाती है फेशियल, ये हमारा चेहरा। इसमें दो तो नेजल हैं जो नाक के बिल्कुल साथ हैं, लैक्रिमल हैं जो हमारी आँख के गड्ढों के साथ हैं, ये दो लैक्रिमल होती हैं। दो पैलेंटाइन हैं जो पैलेटाइन जो इसके नेजल के बिल्कुल नीचे होती हैं, और इन्फीरियर नेजल कुंका हमारी नाक के सांस लेने के लिए बिल्कुल नीचे के हिस्से, दो इन्फीरियर नेजल कुंका होती हैं। दो जाइगोमेटिक होते हैं जो साइड में होते हैं कान के आगे, और दो मैगजिला होती हैं ऊपर जो ऊपरी जबड़े की होती है, दो मैंडिबल नीचे एक ही होते हैं, दोनों जबड़े जुड़े होते हैं, और बीच में नाक के एक वूमर होती है। इस तरह से 14 फेशियल बोन है। इनकी भी आप पोजिशन ध्यान से देखें, नेजल लैक्रिमल इन्फीरियर नेजल कुंका और पैलेंटाइन जाइगोमेटिक मैगजिला ये दो दो हैं, और मैंडेबल और रोमर एक एक है। इस तरह से 14 हड्डियाँ हमारे फेशियल में हुई, 8 हड्डियाँ हमारे स्कल में हुई, तो 12 बोन हुई है, 22 बोन हुई है टोटल। अब आती हैं 6 कान की हड्डी होगी 28, और इसके अलावा एक हाइड बोन होगी 29। अब हम ये फेशियल बोन की बात आ गई, ये हाइड बोन दिखाई हुई है, ये हाइड बोन को हम टंग बोन भी कहते हैं। ये हमारी इसकी फेशियल और ये हाइड और ऑडिटरी एपरेटस होगी। अब इसमें जो स्टेप्स है एमेलियस एंकस स्टेप्स, ये हमारे कान की हड्डियों के नाम है। इस तरह से अब हमारे सिर की हड्डी थी इन सब के नाम। अब हम बात करेंगे आगे ये थोरेसिक केज। थोरेसिक केज में आगे देखो ये डैगर लाइक जो हड्डी है, इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम, और इस पे ये जो ये हेमी सर्कल शेप में जुड़े हुए हैं, इनको हम कहते हैं रिब्स। हमारे 12 जोड़े रिब्स हैं, 12 इधर हैं, 12 इधर हैं, 12 लेफ्ट हैं, 12 राइट हैंड पे, सब पे नाम डले हुए हैं। आप देखो ये इन पे नाम डले हुए हैं, 11-12 ये साइड में दिखाए हुए हैं, और 10 तक ये हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देखें ये 7 तक ये सीधे स्टर्नम से जुड़े हैं, इसलिए इनको ट्रू रिब्स कहते हैं। 8वां, 9वां, 10वां ये 7वें पे जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको फाल्स रिब कहते हैं, ये डायरेक्ट स्टर्नम पे नहीं जुड़े हुए। और ये जो 11वां, 12वां ये एक साइड में जुड़े हैं, इनको फ्लोटिंग रिब कहते हैं। तो इस तरह से हमारे 24 रिब्स हैं और एक स्टर्नम, 25 हड्डियाँ हो गई है हमारे थोरेसिक केज में, 12 इधर और 12 इधर, 24 तो रिब्स हुए और एक स्टर्नम हुई। इसके बाद ये एक स्टर्नम, इसका रिब्स का एक डायग्राम दिखाया, 5th रिब का राइट साइड का, इस तरह से रिब्स होता है। तो ये हमारा थोरेसिक केज है, इसमें 25 हड्डियाँ हुई। अब हम बात करेंगे आगे, ये है हमारा वर्टिब्रल कोलम, ये रीढ़ की हड्डी है। अब जो रीढ़ की हड्डी है इसमें आप देखें पहले वर्टिब्रे को हम एटलस कहते हैं, दूसरे को एक्सिस कहते हैं। एटलस यस बोन होती है, एक्सिस नो बोन होती है। जब हम यस कहते हैं तो एटलस, नो कहते हैं तो एक्सिस चलती है। अब इसमें जो सर्विकल वर्टिब्रे हैं हमारी गर्दन में, ये 7 वर्टिब्रे होते हैं जो हमारी गर्दन में होते हैं छोटे छोटे, इनको हम सर्विकल वर्टिब्रे कहते हैं। इसके बाद हमारी छाती शुरू होती है, चेस्ट पोर्शन जिसको थोरेक्स बोलते हैं। थोरेक्स में हमारे ये वर्टिब्रे हैं 1 से लेके, और थोरेक्स में आप देखें ये 12। फिर लुम्बर में फिर आए हमारे 5, और फिर आए
एक वर्टिब्रा सैक्रल और एक वर्टिब्रा कोकीजल, कोकीजल हमारा टेल वर्टिब्रा कहलाता है। तो इस तरह से 7 तो हमारे थोरेक्स रीजन में, 12 हमारे लुम्बर रीजन में, ये 7 हमारे सर्विकल रीजन में, 12 हमारे थोरेसिक रीजन में, जो सर्विकल गर्दन वाला हिस्सा होता है और जो थोरेसिक छाती वाला हिस्सा होता है, और 5 वर्टिब्रे हमारे लुम्बर पेट वाले हिस्से में, और एक इसके नीचे जो सैक्रल रीजन में और एक कोकीजल रीजन में, 26 हमारे वर्टिब्रे हुए। ये हमारे वर्टिब्रे में की बात हुई। अब हम बात करें अपने ये जो गर्डिल हैं, 2 गर्डिल हैं हमारे पास, एक ऊपर वाली गर्डिल पेक्टोरल गर्डिल होती है, नीचे वाली पैल्विक गर्डिल होती है। अब देखें ये गर्डिल है, इसमें 4 बोन है जो हमारी ये लेग, ये हाथ की हड्डी है, इसमें ये हाथ की है, इसमें 2 क्लेविकल हैं, 2 स्कैपुला हैं। तो पैल्विक गर्डिल में इस तरह से ये 4 हमारी हड्डियाँ हुई। अब हम हाथ की हड्डी की बात करें, हाथ में ह्यूमरस ये ऊपर की हड्डी है और नीचे वाली रेडियो अल्ना है। इसमें आप देख रहे हैं ये रेडियो अल्ना 2 से मिलके बनी है, एक रेडियो अलग है, अल्ना अलग है। फिर इसके बाद कार्पल है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो हमारी हथेली से ऊपर है, ये यहाँ से हमारा ये हाथ का ये रिस्ट के कॉर्नर पे, और इसके नीचे मेटाकार्पल है, और फिर ये फैलेंक्स है, कार्पल मेटाकार्पल फैलेंक्स। फैलेंक्स हमारे अगर हम देखें इसमें, तो फैलेंक्स हर उंगली में आप देखें तो इनकी संख्या अगर हम टेबल के हिसाब से देखें, तो मैं आपको इसकी टेबल दिखाता हूँ। ये जो टेबल है इस टेबल में आप देखें, ये फैलेंक्स हैं 28, ह्यूमरस दोनों हाथों में एक एक है, रेडियोल्ना भी दोनों में एक एक है, कार्पल 8 हैं। अब ये जो कार्पल हैं ये ऊपर वाले हिस्से हैं, और मेटा कार्पल 10 हैं। इनके साथ 2-2 ये जुड़ी हुई हैं जो हमारी इसमें हथेली में है, हर एक की से 2-2। और फिर फैलेंक्स हैं आप देखें इसमें, ये 14 दोनों में है। आप इसको मैं आगे डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, इसका जो डायग्राम है इसमें आप देखें, देखो 3 उंगली में, हर उंगली में 3-3 है, अंगूठे में 2 हैं। तो ये हो गए 1 में 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 14 हुए एक हाथ में। और इसके नीचे ये हर एक के साथ एक एक अटैचमेंट है, ये 5 ये मेटाकार्पल है। तो इसमें 5 मेटाकार्पल हुई, और जो 14 हमारी फैलेंक्स हुई, फिर कार्पल हुई हमारी 8 कार्पल हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये आगे की ओर, ये जो 8 कार्पल दोनों हाथों में 8-8 कार्पल हैं, ये आप देखें ये हमारे हाथ में ये हैं, ये 8 हैं यहाँ, तो 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल और 14 ये फैलेंक्स। इस तरह से ये टोटल हमारे हाथ में 30 हड्डी हुई एक हाथ में, तो टोटल हाथ की हड्डी हुई 60, और 4 हुई है पेक्टोरल गर्डिल की। ठीक है, अब बात करें पैर की हड्डी, ये हमारा पैर, पैर में जुड़ी हुई है ये पैल्विक गर्डिल के साथ। पैल्विक गर्डिल में 2 हड्डियां हैं जो कि इसके साथ के हमारा ये जुड़ता है, पैर जुड़ता है। इसमें जो सबसे बड़ी हड्डी हमारी बॉडी की ये फीमर है, हमारी बॉडी में सबसे लंबी हड्डी है जो पैर की ऊपर वाली हड्डी है, फीमर सबसे लंबी होती है। इसके बाद ये घुटने के बीच में एक गोल सी रचना फंसी होती है, ये पटला, ये जो ये गोल सी हड्डी है दोनों घुटनों में होती है, और इसके नीचे टीबियो फिबुला, ये 2 हड्डियों से मिलकर बनी है। टीबिया लंबी हड्डी है, फिबुला छोटी हड्डी है। इसके नीचे फिर ये यहाँ से पैर में जो शुरू होते हैं, इसमें उसमें कार्पल थे, इसमें टार्सल हैं,
टार्सल, मेटा टार्सल और फैलेंक्स। फैलेंक्स इसमें भी 14 हैं, जैसे कि वहाँ थे। फैलेंक्स संख्या वही है, अंगूठों में दो दो हैं और उंगलियों में तीन तीन हैं। तो ये हमारे फैलेंक्स थे। और इसके बाद इसमें टार्सल और मेटा टार्सल हैं। अगर हम टार्सल की संख्या देखें तो टार्सल इसमें एक पैर में 7 हैं और मेटा टार्सल उसी तरह 5 है, पांचों के साथ एक एक का कनेक्शन है। तो टार्सल 7 और मेटा टार्सल 5 और फैलेंक्स 14, इस तरह से दोनों में मिला के 28 फैलेंक्स हो जाएंगे, 10 मेटा टार्सल हो जाएंगे, 14 टार्सल हो जाएंगे, 2 पैटला हो जाएंगे और 2 फिबुला, 2 टीबिया और 2 फीमर। इस तरह से 60 हड्डी दोनों पैरों की बनेगी, एक पैर की 30 हड्डी। तो इस प्रकार से अब हम हिसाब लगाएं तो हमारे शरीर में टोटल हड्डियाँ 206 बनी। अब कुछ हड्डियों के इसमें नाम दिए हुए हैं, जैसे पेटला, इसको नी कैप भी कहते हैं। इसी तरह से स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, जो हमारी छाती में होता है, चेस्ट में होता है, इसलिए ब्रेस्ट बोन कहते हैं। क्लेविकल को हम कॉलर बोन कहते हैं, कॉलर में या जो बोन है, एक क्लेविकल है जाम। स्कैपुला को हम शोल्डर बोन भी कहते हैं, फीमर को थाई बोन भी कहते हैं। टीबिया ऊपर की जो 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 पैर का निचला वाला है, इसमें लंबी वाली को टीबिया है, छोटे वाली इसमें फिबुला है। हुमरस ये हाथ की हड्डी है ऊपर वाली जो। और अल्ना स्टेशनरी बोन है फोर आर्म में। रेडियस रोटेट रिस्ट को घुमाने वाली, ये फोर आर्म में जो घुमाती है वो रेडियस घुमाती है। इलियम वही बोन भी कहते हैं। फेलेंग्स ऑफ द फुट को टोए कहते हैं, फेलेंग्स ऑफ द हैंड को फिंगर बोलते हैं। कार्पल ये शॉर्ट बोन है हाथ में रिस्ट के पास। और मेटा कार्पल मिनिएचर लॉन्ग बोन है हाथ में। टार्सल है शॉर्ट बोन इन द फुट। ये कैलकेनियस हील बोन है। सैक्रम फ्यूज वर्टिब्रे हैं जो स्पाइन के नीचे हैं सैक्रम। कोकीजियल हमारी टेल बोन है। जाइगोमेटिक हमारी चीक बोन है, जो गालों के ऊपर है वो चीक बोन होती है। मैंडेबल हमारी जबड़े की बोन होती है। मैगजिला बोन जो ऊपर वाले दांतों में रखती है। फ्रंटल जो आगे की ओर होती है। ऑक्सीपिटल बैक ऑफ द नियर होती है। टेम्पोरल टेम्पल एरिया के नीचे रहती है। और इनके कॉमन नाम स्कल को क्रेनियम कहते हैं, जा बोन को मैंडिबल कहते हैं, कलर बोन को ये आ ही गया रेस्ट बोन। फनी बोन ह्यूमरस हमारी फनी बोन कहलाती है। स्पाइन वर्टिब्रा में पाए जाते हैं। हिप्स पेल्विक को कहते हैं, रिस्ट कार्पल को कहते हैं। और इसके अलावा थाई बोन को हम फीमर कहते हैं, नी कैप को पटला कहते हैं, शिन बोन को टीबिया कहते हैं, एंकल टार्सस होते हैं। ये हमारी हड्डियाँ थी, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनकी आपके सिलेबस में भी हैं और इनकी जनरल जानकारी भी हमें चाहिए, कितनी हड्डी कहाँ कहाँ कौन